बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी वाइटी फैमिली, मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए और हमें हमेशा अपने बच्चों पर सलामती दे और अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरा चैनल है माजी अरफन मौला, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज का मेरा व्लॉग कुछ इस तरह है कि वो कल वाली क्ले जो थी वो खराब निकल आई थी लेकिन उसने वापस नहीं की, तो मैं अभी लेके ही आ रही हूँ। नहीं तो वो वाली उसने तो वापस नहीं की क्योंकि वो खराब थी, तो उसने वो मेल्ट नहीं हुई थी बेसिकली गर्मी की वजह से, वो अंदर से थी ही खराब, अजीब तरह की थी, तो वो तो सारी गिरी जा रही थी तो उसे तो कुछ बन ही नहीं सकता। तो ये मैं अभी लेकर आई हूँ और साथ में मैंने आपको कल बताया था कि मेरी शर्ट सिलने गई हुई है, तो मैंने कहा आज आपसे शर्ट भी शेयर कर लूँ। मामा ये दिखाएं, अभी लाई हूँ तो मैंने कहा एक दफा ही खोलते हैं। हाँ जी, ये दुपट्टा था मेरा, क्या ये दुपट्टा था तो प्रोड्यूसर ने इसको फेंक दिया, फेंक दिया था, बेकार कर दिया कि मैंने ये बस सूट फट गया, अब दुपट्टे को क्या करना है। तो मैंने इसको कहा मेरी बात सुनो, तो थोड़ा सा मेरे से मशवरा लो, तो कोई बात नहीं, गर्मियों में घर में बंदा पहन नहीं लेता है। हाँ जी, देखे उसने ये दुपट्टे की शर्ट दिखाए मामा ऐसे। ये देखें जी, ये लेंथ और ये मतलब के पूरी अच्छी, पूरा दुपट्टे का पूरी एक शर्ट बन गई है। माँ जी का मैंने कहना माना और ये देखें, माँ जी ने उसको कहा कि ये बॉर्डर था दुपट्टे से, बॉर्डर थे ना दुपट्टे के दोनों तरफ, मैंने कहा वो बाजू बना दो। हाँ जी, और ये शर्ट जो है सेंटर में ये चलो ये बना दो तो इतनी अच्छी शर्ट हाँ ऊपर सीधा खड़ा करें। हाँ सीधा खड़ा करें ऐसे। तो ये देखें जी, प्रोड्यूसर की शर्ट है जो अभी स्टिच होकर आई है और ये अभी मैं पहन के देखूंगी। आपसे आपको भी इस दिन दिखाने का मकसद ये है कि आपने जो कीमती सूट के कीमती दुपट्टे होते हैं उनको वेस्ट ना करें। ये मेरा ब्रांडेड सूट था, उसका जो है ना दुपट्टा बड़ा प्यारा, जिसको कहते हैं ना रेनबो कलर, बड़ा सतरंगी है ना मामा। हाँ। ये मुझे बहुत पसंद था लेकिन मैंने कहा चले अब क्या कर सकती हूँ, दुपट्टा ही है ना, लेकिन दुपट्टे की बनी शर्ट वाह। तो ये देखिए जी, इसने नेक का, इसकी सफाई का तोड़, गर्मी का तोड़, ये जी बड़ा प्यारा, माँ जी को पसंद आया और मैंने फर्स्ट टाइम इस आंटी से सिलवाया। आने की तो बात अलग है लेकिन वो दुपट्टा जो है ना वो कार आमद हो गया ना, मुझे ये ज्यादा खुशी हुई है कि इसने मेरा कहना मान लिया, कहना मान लिया। तो ये जो मैं कल जिस शर्ट का जिक्र कर रही थी, मैं अभी लेकर आई हूँ, तो मैंने कहा कि आपसे आते शेयर करूँ, छोटी सी वीडियो है, इसको आप उम्मीद करते हैं इंजॉय करेंगे और आप अपने दुपट्टों को इसी तरह से डिजाइनदार दुपट्टों को, ये देखें कितना प्यारा, उसका माँ जी ने उसको समझाया था फोन पे कि ऐसे इधर बाजू निकाल लें और ये जी साथ शर्ट बन जाएगी। तो अभी मैं पहन के देखूंगी कि ये कैस सही सी है कि नहीं। मामा मुझे सही लग तो सही रही है, जो ये नाप ये गया था, ये दिखाएं, इसके बाद नाप तो ये गया था वैसे, तो इसके मुताबिक सही होगा है ना। आपका नाप का मकसद क्या होता है? हाँ जी, नाप का मकसद ये होता है कि एग्जैक्ट वही कह रही थी कि जी मैंने तो अपनी तरफ से सही सी है, ऊपर लाई हूँ, तो मैंने कहा कि चले यहीं पर ब्लॉग बना लेते हैं, कोई काम के लिए लाई थी मैं ऊपर। तो आपको पता ही है कि कितनी गर्मी होती है नीचे, तो फिर भी मैंने कहा आज आपको ऊपर की सैर करा के लाती हूँ। तो ये दिखाएं, मैं नापूं इसके साथ मामा, ये माँ जी नापेंगी। तो इसकी बहू सीती है, बहू आंटी की बहू है, वो सी रही थी, वो सीती है ना। तो ये जी 400 मैंने इस शर्ट की सिलाई दी है, 400 उन्होंने कहा सिंपल है, तो मैं फर्स्ट टाइम सिलवा रही हैं, सिर्फ हमने उसकी स्टिचिंग देखनी थी और 400 ली है। तो मामा क्या हुआ, आगे ऊपर नीचे है? अच्छा मुझे ये नहीं समझ आया। तो ये चलें जी, आज मेरी एक शर्ट घर में पहनने का, और ये सिर्फ है जी घर में पहनने के लिए। ये माँ जी नाप रही हैं इसकी, वाह तो
जबरदस्त स्टिचिंग की है, फुल फुल बटा फुल। तो चलें जी, हमारा आज यही छोटा सा, छोटी सी शेयरिंग थी, छोटा सा व्लॉग है। तो मैंने कहा जो कल की बाकी रह गई थी बात के जी, मैंने कहा शर्ट भी दिखा ही दूँ अपनी। उम्मीद करते हैं आपको मेरी शर्ट भी पसंद आई होगी और डिज़ाइन भी पसंद आया होगा। इसको भी मौका देंगे, शर्ट भी पसंद आई। और हाँ जी, क्या करें, इसमें भी वो गैप से आ रहे हैं, लेकिन नहीं उसकी वो चुराई से मम्मा पता चल रहा है कि ये फोमिंग सही है। ये मैंने उनसे पूछा है, खराब तो नहीं है, कहते नहीं आप खुद देख लें। ये वो अभी मैं एक खोल के भी देखूंगी, लेकिन ये है कि देखें जरा उसमें और इसमें कितना फर्क है। तो चलें जी, आज तो चलें जी, आज हम आज ही अपने ड्राइंग रूम में बैठ गई हैं और अब हम करेंगे ड्राइंग रूम में बातें, कुछ चंद बातें करेंगे आपस में कैमरे के पीछे। इतना टाइम मैंने ऊपर आने में लगाया, उतना जाने में भी तो लगाऊंगी ना। हाँ जी, तो बस यही आज की हमारी, हाँ जी, यही आज की हमारी छोटी सी शेयरिंग थी, छोटा सा व्लॉग था। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, स्टिचिंग ओके हो गई। तो चलें जी, हम अपने व्लॉग का यही एंड करते हैं। आज हमारी यही छोटा सा व्लॉग था। जिस दिन से उन्होंने खानों का जो उन्होंने कमेंट किया ना कि खाने खाने खाने, तो अब मेरा उसे फेड अप हो गई। मैं कह रही हूँ खाने खाने भी अब कम कर देने हैं। तो खाना इसलिए मैंने रूटीन व्लॉग में बहुत कम कर देना है, वो कभी होगा तो मैं दिखाया करूँगी, कभी नहीं तो इसलिए बस ऐसे ही। अब वो जो जिन्होंने कहा था ना खाना खाना, अब वो यही व्लॉग देखे चलें जी, वो खुश हो जाए। हाँ तो चलें जी, चलें जी, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इंशाल्लाह कमिंग सून बड़ी अच्छी वीडियो व्लॉगिंग आने वाली है, सरप्राइज वीडियो। तो हमारे साथ जुड़े रहें क्योंकि वो वाकई में सरप्राइज वीडियो आने वाली है। मैं बार बार आपको हर वीडियो में याद दिलाऊंगी जब तक वो सरप्राइज वीडियो नहीं आती। तो तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। अब मैं जाऊंगी घंटे बाद। हाँ जी, मुझे खाने के लिए कुछ ले आऊंगी।